प्रिय छात्रों, व्यवसायिक अध्ययन की कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम आज यहाँ पर इकाई 6 अध्याय 10 में प्रशिक्षण एवं विकास के अंतर्गत जो है प्रशिक्षण की विधियों के बारे में जानेंगे कि प्रशिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी। तो सामान्य तौर पर एक उपक्रम में जब एक कर्मचारी नियुक्त होता है तो उसे सबसे पहले तो उपक्रम के बारे में जानकारी दी जाती है, उपक्रम से उसको परिचित कराया जाता है। उसके पश्चात उपक्रम में किस प्रकार के कार्य हैं उन कार्यों के बारे में बताया जाता है, उपक्रम का वातावरण किस प्रकार का है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उपक्रम में भौतिक संसाधन कौन से हैं जिनके माध्यम से उत्पादन किया जा रहा है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में उसको जानकारी दी जाती है। साथ ही जो उपक्रम का स्टाफ है, जो वर्किंग स्टाफ है, जो काम करने वाले अन्य लोग हैं, उन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब एक कर्मचारी उपक्रम में चयनित होकर अंदर आता है तो उसको उपक्रम के बारे में ये तमाम प्रकार की जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं जिनको हम प्रशिक्षण के तौर पर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रशिक्षण की जो विधियाँ हैं वो दो रूप में हैं, एक है आंतरिक प्रशिक्षण कहलाता है और दूसरा जो है वो बाह्य प्रशिक्षण। अर्थात एक उपक्रम के अंदर जब कर्मचारी चयनित होकर आता है तो उपक्रम के अंदर ही उसको प्रशिक्षित किया जाता है, उपक्रम के जो भी आंतरिक संसाधन है उनके माध्यम से उसको प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसको बाह्य शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से या बाहरी जो विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान हैं उनके माध्यम से उसको ट्रेनिंग दिलवाई जाते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि आंतरिक प्रशिक्षण क्या है और बाह्य प्रशिक्षण क्या है। तो यहाँ पर हमने जैसा कि बताया प्रशिक्षण की जो दो विधियाँ हैं, एक आंतरिक प्रशिक्षण और एक बाह्य प्रशिक्षण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं आंतरिक प्रशिक्षण। तो आंतरिक प्रशिक्षण विधियों में उपक्रम द्वारा दिए जाने वाले स्वयं के विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम को शामिल किया जाता है। तो यहाँ उपक्रम द्वारा जो है स्वयं अपने द्वारा जो कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वो आंतरिक प्रशिक्षण कहलाता है। अब ये जो प्रशिक्षण है ये उपक्रम अपनी आवश्यकता अनुसार स्वयं तैयार करता है, अर्थात उपक्रम को जिस प्रकार का कार्य है उपक्रम के अंदर उस प्रकार का जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है ये इसकी जो विधियां हैं वो अपने हिसाब से वो तैयार करता है कि किस प्रकार से उसको प्रशिक्षण दिया जाना है। तो पहला बिंदु जो इसमें है प्रवेशात्मक प्रशिक्षण। इससे क्या आशय है कि किसी भी कर्मचारी की जब नियुक्ति होती है, जब उसका चयन होता है तो वो उपक्रम में उसको प्रवेशात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब एक कर्मचारी जब पहली बार उपक्रम के अंदर आता है तो उपक्रम के बारे में उसको संपूर्ण रूप से जानकारी दी जाती है, वो कहलाता है प्रवेशात्मक प्रशिक्षण। अब इस प्रवेशात्मक परीक्षण जो प्रशिक्षण है इसमें जो है उपक्रम के उद्देश्य नीति नियम आदि कृत रूप से जानकारी सबसे पहले बताई जाती है कि उपक्रम के उद्देश्य क्या है, उपक्रम की नीतियाँ क्या हैं, किन नियमों के आधार पर उसको काम करना है, ये सारी बातें जो है इसके अंतर्गत उसको बताई जाती है। फिर दूसरा बिंदु आता है कार्य की दशाएं, कार्य के घंटे, उपलब्ध सुविधाएं, अवकाश, अनुशासन आदि के बारे की जानकारी। तो कार्य की दशाएं, किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार की वातावरण है, उन स्थितियों में उसको काम करना है, कार्य के घंटे, उसके कितने घंटे उसको काम करना है, 6 घंटे या 8 घंटे का, उपलब्ध सुविधाएं, संसाधन कौन कौन से हैं उपक्रम में जिनको उसको संचालित करना है, उसके पश्चात सुविधा अवकाश, कितने से कितने बजे तक उसको काम करना है, फिर कितने बजे उसका लंच अवकाश होगा, कितने बजे उसकी छुट्टी होगी, वीकली अवकाश कब होगा, और भी जो भी अवकाश हैं उन सबके बारे में उसको जानकारी दी जाती है। साथ ही अनुशासन, ये मुख्य है, अनुशासन किस प्रकार का है, यदि कोई ड्रेसअप वगैरह है, कोई टाइमिंग वगैरह का जो निर्धारण है, इन सब चीज़ों को उसको विशेष ध्यान रखना होता है, ये प्रशिक्षण के दौरान उनको बताया जाता है। फिर तीसरा बिंदु जो आता है उत्पादित की जाने वाली वस्तु, उत्पादन विधि, वस्तु की किस्म के बारे में उसको जानकारी प्रदान करना। फिर तीसरी चीज़ जो यहाँ पर है
कि जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है वो उत्पादन की विधि क्या है, वस्तु की किस्म किस प्रकार की, इस सबके बारे में उसको विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए। तो यहाँ इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त होने से एक कर्मचारी जो है वो उपक्रम के बारे में बेहतर ढंग से जान लेता है और वो उपक्रम के वातावरण में जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, समायोजित हो जाता है। तो ये जो है पहले बिंदु जो है वो प्रवेशात्मक प्रशिक्षण है। तो अभी हमने जो देखा ये कर्मचारी का प्रवेशात्मक प्रशिक्षण, जब उपक्रम में वो आता है तो पहली बार उसको प्रवेश से संबंधित जानकारियां जो है उपक्रम के बारे में विस्तार से उसको बताया जाता है, वो कहलाता है प्रवेशात्मक प्रशिक्षण। दूसरा बिंदु जो है वो कार्य पर प्रशिक्षण, कार्य के दौरान या कार्य कराते हुए उसको प्रशिक्षण प्रदान करना। तो उपक्रम में जिस स्थान पर कर्मचारी कार्य करता है उसी स्थान पर उसे प्रशिक्षित करने की व्यवस्था कार्य पर प्रशिक्षण कहलाती है। अर्थात उपक्रम में या कारखाने में जिस स्थान पर विभिन्न कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसी स्थान पर नव प्रशिक्षु को, नया जो कर्मचारी है उससे भी उसी स्थान पर कार्य कराते हैं, वो कहलाता है कार्य पर प्रशिक्षण। इसमें जो है नवनियुक्त कर्मचारी को पर्यवेक्षक, फोरमैन या प्रशिक्षक की देखरेख में सीधे काम पर लगाकर प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ जो नया कर्मचारी है, जो उसका सुपरवाइजर है, उस जो टीम का जो लीडर है, जो फोरमैन है या जो प्रशिक्षक है, उसकी देखरेख में उस नवनियुक्त कर्मचारी को सीधे काम पर लगाकर प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर दूसरा बिंदु है उसे उपकरण के संचालन की विधि बताकर उसे उपकरण को संचालित करवाया जाता है। मशीनरी है मान लीजिए जिससे उत्पादन हम कर रहे हैं, तो मशीनरी को ऑपरेट किस प्रकार से करना है, उसको संचालित किस प्रकार से करना है, उसमें थोड़ी बहुत टूट फूट होती है, कोई मरम्मत वगैरह है तो उसको किस प्रकार से हमें हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें संचालन की विधि के अंतर्गत आती हैं, जो उससे हम नवनियुक्त कर्मचारी को उपकरण को संचालित करवाते हैं और फिर धीरे धीरे उसे कार्य सिखाकर उत्पादन भी कराया जाता है। फिर उसे हम धीरे धीरे इसी रोलिंग में काम करवाते जाते हैं और उससे वो उत्पादन करना भी सीख जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस प्रशिक्षण पर हमें अलग से व्यय नहीं करना पड़ता। जो लाभ हैं वो ये है कि यहाँ प्रशिक्षण पर हमें अलग से खर्च नहीं करना पड़ता, अर्थात कर्मचारी को सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान हम दोनों एक ही स्थान पर यहाँ उसको दे देते हैं और वो कार्य को अच्छी तरह से सीख लेता है। तो यहाँ जो फायदा है वो ये है कि कार्य प्रशिक्षण के दौरान जो है कर्मचारी को हमें सिखाने के लिए अलग से कोई प्रशिक्षक को नहीं बुलाना पड़ता, उसके लिए अलग से खर्च नहीं करना पड़ता और जो कर्मचारी का को सीखने के लिए जो समय लगता है वो समय की भी यहाँ बचत होती है। यहाँ पर जो है व्यवहारिक रूप से कर्मचारी फोरमैन या प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक के अंडर में जो है काम करता जाता है और काम को करते करते सीखता जाता है। वहीं जो कुछ कमियाँ हैं, जो हानि है, वो ये हैं कि जैसे कर्मचारी को कार्य सीखने में समय लगता है, अब उसका ध्यान जो है उत्पादन की ओर दौड़ने लगता है तो जो कार्य की जो बारीकियाँ हैं जो उसको सीखना चाहिए वो समय पर नहीं सीख पाता, उसको समय लगता है। दूसरा अपव्यय होता है, अपव्यय इसलिए होता है कि वो सीधे उसको उत्पादन से जोड़ दिया जाता है, मशीन को ऑपरेट करने के लिए दे दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है वो काफ़ी वेस्टेज होता है, इससे क्या होता है अपव्यय प्रकार के से हम कार्य पर प्रशिक्षण जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे नंबर एक है कार्य बदली, कार्य बदली की जो स्थिति है ये विभिन्न बैंक में हम देखते हैं या प्रबंधकीय कार्यों में, यहां पर जो है इसके अंतर्गत व्यवसाय परिस्थितियों के संबंध में समझ विकसित की जाती है और प्रशिक्षार्थी को कुछ दिन किसी कार्य विशेष पर रखा जाता है, फिर दूसरे तीसरे कार्य विशेष पर रखा जाता है जिससे प्रशिक्षणार्थी को जो है कई प्रकार के कार्य करने का अनुभव प्राप्त कर लेता है।
तो यहां हम ये देखते हैं कि कार्य बदली से तात्पर्य है कि जो कार्य वो अभी कर रहा था उसके बदले उसको दूसरा कार्य देना, फिर दूसरे कार्य के साथ फिर अगले दिन कोई तीसरा कार्य करवाना। तो यहां पर इससे होता यह है कि एक कर्मचारी जो है अपने उपक्रम के सभी प्रकार के कार्यों को करने में जो है उसको जानकारी मिल जाती है, उसमें महारत उसकी हासिल हो जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है सामान्य तौर पर बैंक में हम देखते हैं, आप लोग बैंक में देखते ही होंगे कि जो व्यक्ति आज कैश में बैठा है कल वो एंट्री के काउंटर पर बैठा हुआ है या किसी वो तीसरे काम को देख रहा है। तो यहाँ पर सीट आपस में बदलती चली जाती है, काम भी बदलता चला जाता है। इससे होता क्या है कि सभी प्रकार के कार्य को करने का उनको अनुभव प्राप्त होता है। तो ये कहलाती कार्य बदली। दूसरा बिंदु जो है शिक्षार्थी या अप्रेंटिस प्रशिक्षण। आमतौर पर हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पर जो है नए शिक्षार्थियों को या प्रशिक्षार्थियों को सीधे एक साल दो साल तीन साल के लिए वो अपने यहाँ अप्रेंटिस के रूप में रख लेते हैं और उनकी जो है पूर्णतः दो साल तीन साल तक लगातार सैद्धांतिक और व्यवहारिक क्लासें संचालित की जाती हैं। इसमें जो है नए कर्मचारी को किसी योग्य कर्मचारी के अधीन एक शिक्षार्थी या अप्रेंटिस के रूप में कार्य करना होता है। तो यहाँ पर वो जो है सिर्फ कार्य ही नहीं सिखाते बल्कि कक्षाओं के माध्यम से जो है सैद्धांतिक ज्ञान एवं बौद्धिक ज्ञान को भी पढ़ाया जाता है। तो अप्रेंटिस में जहाँ पर कि शिक्षार्थी को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है उसी के साथ कक्षाओं के माध्यम से उसके विषय के बारे में जो है सैद्धांतिक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान भी उसको अधिक से अधिक मात्रा में प्रदान किया जाता है ताकि वो एक बेहतर कर्मचारी उस उपक्रम के लिए बन सके। तो ये है अप्रेंटिस प्रशिक्षण। तीसरा जो है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उपक्रम के भीतर या उपक्रम के अंदर एक ऐसा कार्यशाला को हमें स्थापित करना, प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित करना जहाँ पर कि हम नव प्रशिक्षु या नए कर्मचारी को हम उसी स्थान पर प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। तो इसमें संस्थान में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ पर जो है प्रशिक्षक के निर्देशन अथवा अलग से स्थापित उपकरणों के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये प्रशिक्षण जो है वहाँ उपयोगी होता है जहाँ पर कार्य पर खतरा होता है या बहुत अधिक व्ययपूर्ण कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फैक्ट्री में विस्फोटक मान लीजिए साइड है जहाँ पर कि कार्य पर बहुत अधिक बाह या कार्य से परे प्रशिक्षण। अभी हमने जो देखा वो क्या था, आंतरिक प्रशिक्षण, अर्थात एक उपक्रम के अंदर कर्मचारी को हम किस प्रकार से प्रशिक्षित कर सकते हैं वो कहलाता था आंतरिक प्रशिक्षण। दूसरा जो है बाह्य, मतलब बाहर एक कर्मचारी जो उपक्रम में जिसको हमने भर्ती कर लिया है उस कर्मचारी को उपक्रम के योग्य या उपक्रम के कार्य योग्य बनाने के लिए हम उसको उपक्रम से बाहर कहीं प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। तो इस विधि में प्रशिक्षणार्थियों को उपक्रम से अलग स्थान पर प्रशिक्षण दिया जाता है, उपक्रम से बाहर, उपक्रम से अलग स्थान पर। यहाँ जो है प्रशिक्षण की ये विधि जो है कुशल व तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। खासतौर पर जो कुशल कर्मचारी हैं, जो टेक्निकल कर्मचारी हैं, उनको और अधिक उनका मानसिक विकास करने के लिए, उनको और अधिक प्रशिक्षित करने के लिए हम उन्हें बाहर की कार्यशाला में बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। इसमें जो है विशिष्ट तकनीक संस्थाएं व व्यावसायिक संस्थाओं में पर्याप्त सहयोग की आवश्यकता होती है। देश में अनेक संस्थाएं चला जाती हैं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए एवं व्यावसायिक प्रशासन की संस्थाएं आदि हो गए। तो ये कहलाता है बाह्य कार्य से परे प्रशिक्षण। अब इसकी जो कुछ और स्थितियां हैं कि हम जो बाहरी प्रशिक्षण आयोजित करते हैं या जहाँ पर हम अपने उपक्रम के कर्मचारियों को भेजते हैं वो किस किस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो जैसे एक कक्षा कक्ष व्याख्यान सम्मेलन, कक्षा में या कमरे में व्याख्यान आयोजित करें या कोई हम सम्मेलन आयोजित करें। तो यहाँ कंपनी प्रबंधकों को प्रबंध के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए प्रबंधन संस्था विशिष्ट पाठ्यक्रमों के अंतर्गत जो है व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। इसमें जो है दृश्य श्रव्य
सामग्री अर्थात ऑडियो और वीडियो। ऑडियो वीडियो के माध्यम से जो है ये व्याख्यान प्रदर्शन को जो है रुचिकर बनाया जाता है। साथ ही कठिन बिंदुओं को समझाने के लिए जो उस विषय से संबंधित जो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको हम बहुत बेहतर ढंग से समझाना चाहते हैं, तो उनको समझने के लिए स्पष्टीकरण के लिए एक अच्छा माध्यम भी है। इस विधि में विषय विशेषज्ञ विषय की जटिलताओं को समझने योग्य बना देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके माध्यम से ऑडियो वीडियो शब्द के माध्यम से जो है जो ऐसे बिंदु हैं बहुत कठिन बिंदु हैं या उपक्रम के बारे में या विभिन्न जो भी विषय हैं उनके संबंध में जो है व्याख्यान या सम्मेलन के माध्यम से बेहतर ढंग से बताया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी इस विषय को जिसके द्वारा जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों के माध्यम से जो है बेहतर ढंग से इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो ये है यहाँ पर कक्षा कक्ष व्याख्यान सम्मेलन। दूसरा बिंदु जो है कॉन्फ्रेंस या ये जो है उच्च स्तर के प्रबंधक जो है उन लोगों के लिए मुख्य रूप से ये कॉन्फ्रेंस या सेमिनार आयोजित की जाती है। इस विधि में प्रबंधकीय समस्याओं या विषयों पर प्रबंधक प्रोफेसर परामर्शदाता फर्म के विशेषज्ञ सरकारी प्रतिनिधि आदि खुलकर मौखिक या शोध पत्र रिसर्च पेपर जिनको हम बोलते हैं किसी एक विषय को ले लिया जाता है उस विषय में वो लोग गूढ़ अध्ययन करते हैं और उस पर खोज करते हैं उसको उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वो रिसर्च पेपर कहलाता है। तो रिसर्च पेपर के माध्यम से अपने गूढ़ विचार प्रस्तुत करते हैं एवं विचार मंथन उपरांत किसी परिणाम पर पहुंचने को तैयार होते हैं। तो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में कोई एक ऐसा विषय दे दिया जाता है उस विषय पर जो है लोग अपने शोध पत्र या रिसर्च पेपर प्रस्तुत करते हैं, खुलकर आपस में बातचीत होती है, विचार प्रस्तुत करते हैं और उसके पश्चात अंत में किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, परिणाम पर पहुंचते हैं। तो ये करते हैं हम कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के माध्यम से। तीसरा बिंदु जो है केस स्टडी या समस्यात्मक अध्ययन। पर्टिकुलर किसी केस को लेकर किसी समस्या को लेकर जो है हम उसका अध्ययन करते हैं। इस विधि में संगठन के वास्तविक अनुभवों के आधार पर विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जो उपक्रम की जो स्थितियां थी वास्तविक स्थितियां थी उनके अनुभव के आधार पर जो है आगे आने वाली समस्याओं को का हम क्या करते हैं अध्ययन करते और उन समस्याओं को जो है हम नए जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं या जिनको हमें प्रशिक्षण प्रदान करना उनके सामने उन समस्याओं को हम रखते हैं और वे अपने तरीके से समस्याओं का निदान खोजते हैं और हम उनके कारणों का विश्लेषण कर वैकल्पिक हल निकाला जाता है जो कि उत्तम हो। इससे निर्णय शक्ति व नेतृत्व कौशल का विकास होता है और जो उपक्रम में भविष्य में आगे आने वाली ऐसी कोई ऐसी समस्याएं हैं तो उनका पहले से ही यहाँ पर विश्लेषण कर हम वैकल्पिक हल निकाल कर तैयार रखते हैं। तो ये दूसरा तीसरा बिंदु जो है केस स्टडी या समस्यात्मक अध्ययन। चौथा बिंदु जो हमारे पास है कंप्यूटर प्रतिमान या कंप्यूटर। यहाँ पर जो है इस विधि का प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को निर्देश देने तथा कार्य की वास्तविकता को समझाने में किया जाता है। इसमें कार्य की स्थिति अनुसार जो है कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें कार्य की वास्तविक स्थितियों को दिखाया जाता है जिससे प्रशिक्षणार्थी बिना किसी जोखिम के अथवा कम लागत पर सीख सकते हैं। जैसे कि यदि कोई मशीन को ऑपरेट करना तो किस प्रकार से तो उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में हम ऐसा सेटअप बना लेते हैं कि हम जो है कंप्यूटर के माध्यम से उस मशीन को किस प्रकार से ऑपरेट करना है उसको हम मॉडलिंग के तौर पर तो हम सीख सकते हैं। तो इसमें प्रशिक्षणार्थी बिना किसी जोखिम के अथवा कम लागत पर सीख सकते हैं और यदि इसमें कोई आवश्यकता अनुसार हमें संशोधन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये चौथा जो है कंप्यूटर प्रतिमान या कंप्यूटर मॉडलिंग। अंतिम बिंदु यहाँ पर जो बाह्य प्रशिक्षण के अंतर्गत है वो है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। अभी हमने देखा था आंतरिक प्रशिक्षण में भी प्रकोष्ठ प्रशिक्षण होता है। एक उपक्रम के अंदर जो है डमी प्रशिक्षण शाला स्थापित की जाती है जहाँ पर वातावरण जो है
वो उस ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि मेन जहां उत्पादन हो रहा कारखाने में वहां के वातावरण के जैसा। तो ये प्रकोष्ठ प्रशिक्षण जो है बाहरी स्तर पर भी स्थापित होता है। इस प्रणाली में जो है वास्तविक कार्य स्थल के अनुसार एक प्रशिक्षण स्थल होता है तैयार किया जाता है जिसमें वास्तविक कार्य का वातावरण उत्पन्न किया जाता है। वास्तविक कार्य के वातावरण से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से उपक्रम के अंदर जब उत्पादन होता है कारखाने में जब उत्पादन होता है तो वहां का जो एटमॉस्फियर है वहां का जो वातावरण है वहां जिस प्रकार की मशीनें हैं वहां जिस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं वो सारा वातावरण जो है डमी रूप में अलग से स्थापित किया जाता है। यहाँ जो है कर्मचारी वही उपकरण फाइल एवं वही वस्तु में प्रयोग करते हैं जैसे कार्यालय में प्रयोग की जाती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना होता है कि कर्मचारी मूल्यवान एवं उपकरण एवं मशीनों का उपयोग जो है कुशलता पूर्वक कर सके। तो इसका जो प्रकोष्ठ प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है कि जो हमारी मूल्यवान उपकरण हैं या मशीनरी हैं जहाँ पर कि हम डायरेक्ट नए कर्मचारी को सीधे उत्पादन में नहीं लगा सकते तो उनको पहले हम प्रकोष्ठ प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करें फिर उसके बाद डायरेक्ट उनको उत्पादन से हम सीधे सीधे जोड़ें और जो कीमती मशीनें हैं या जो उपकरण हैं उनका हम उनसे कुशलता पूर्वक उपयोग करवा सकें। ये कहलाता है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। यहाँ पर दो प्रश्न हमारे सामने हैं कि प्रशिक्षण की आंतरिक विधियों को समझाइए जो अभी हमने आपको बताई कि कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य बदली प्रशिक्षण और दूसरा जो है प्रशिक्षण की बाह्य विधियां एक उपक्रम के बाहर किस किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा सकता है इसको आपको समझाना है।